हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ एक्स इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू -2। और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 3x -5 -x +9। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में हमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, पहले तो हम उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे जिनसे हमें नया एक्सप्रेशन मिलेगा, और फिर उस नए एक्सप्रेशन में हम x की जगह 3 रखेंगे, a की जगह -1 रखेंगे, b की जगह -2 रखेंगे और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है 3x -5 -x +9। सबसे पहले हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 3x -x -5 +9। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है। 3 -1 2 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2x। 3 बड़ा नंबर है जो पॉजिटिव है, तो 2x पॉजिटिव होगा। 5 नेगेटिव है और 9 पॉजिटिव है। 9 -5 4 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। 9 बड़ा नंबर है जिसका साइन पॉजिटिव है, तो यहां प्लस का साइन आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे +4। तो जब हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 2x+4। अब यहां पर हम x की जगह 3 रखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 2x+4 = 2। ये 2 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। 2x का मतलब होता है 2 × x, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 × और x की जगह यहां पर हम लिखेंगे 3 प्लस 4, यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमें मिलेगा 6, तो यहां पर हम लिखेंगे 6 प्लस 4, यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब हम 6 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10, तो यहां पर हम लिखेंगे 10। तो जब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला 2x+4, और जब हमने यहां पर x की जगह 3 रखा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें मिली 10। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 2 - 8x + 4x + 4। तो पहले हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये नेगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव टर्म है। 8 - 4 = 4 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4x। 8 बड़ा नंबर है जिसका नेगेटिव साइन है, तो यहां पर माइनस साइन आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे -4x। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 और 4 ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, और कॉन्स्टेंट्स भी लाइक टर्म्स होते हैं, और ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे। 2 + 4 = 6 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 6, और ये दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो यहां प्लस का साइन आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे +6। तो जब हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला -4x + 6। अब हम x की जगह 3 रखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन -4x + 6, यानी कि हम -4x + 6 में x की जगह 3 रख रहे हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे -4x + 6 = -4, यहां पर एज इट इज आ जाएगा। -4x का मतलब होता है -4 × x, तो यहां पर हम लिखेंगे -4 × x की जगह यहां पर हम लिखेंगे 3 +6, यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमें मिलेगा -12, क्योंकि 4 × 3 = 12 होता है, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आता है, +6, यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब 12 नेगेटिव है और 6 पॉजिटिव है, 12 - 6 = 6 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 6,
12 बड़ा नंबर है जिसका साइन नेगेटिव है, तो यहां पर माइनस साइन आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे -6। तो जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला -4x + 6, और जब हमने यहां पर x की जगह 3 रखा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें मिली -6। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 3a + 5 - 8a + 1। तो पहले हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे, तो यहां पर हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 3a - 8a + 5 + 1। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है। 8 - 3 5 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 5a। 8 बड़ा नंबर है जिसका साइन नेगेटिव है, तो यहां पर माइनस का साइन आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे -5a। ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे। 5 + 1 6 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 6, और ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो यहां पर प्लस का साइन आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे +6। तो जब हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई किया तो हमें मिला -5a + 6। अब हम यहां पर a की जगह -1 रखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग a = -1 in -5a + 6, यानी कि हम -5a + 6 में a की जगह -1 रख रहे हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे -5a + 6 = ये -5 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। -5a का मतलब होता है -5 × a, तो यहां पर हम लिखेंगे -5 × a की जगह यहां पर हम लिखेंगे -1, +6 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो हमें मिलेगा +5, क्योंकि 5 × 1 = 5 होता है, और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, +6 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे। 5 + 6 = 11 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 11। तो जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला -5a + 6, और जब हमने a की जगह -1 रखा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें मिली 11। फोर्थ पार्ट में हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है 10 - 3b - 4 - 5b। तो सबसे पहले हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे, तो यहां पर हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे -3b - 5b + 10 - 4। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों नेगेटिव टर्म्स भी हैं, तो नेगेटिव लाइक टर्म्स ऐड हो जाते हैं। 3 + 5 = 8 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 8b, और क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं, तो यहां पर भी माइनस का साइन आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे -8b। 10 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, तो 10 - 4 = 6 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 6। 10 बड़ा नंबर है जिसका साइन पॉजिटिव है, तो यहां पर प्लस का साइन आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे +6। तो जब हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला -8b + 6। अब हम यहां पर b की जगह -2 रखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग b = -2 in -8b + 6, यानी कि हम -8b + 6 में b की जगह -2 रख रहे हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे -8b + 6 = -8, यहां पर एज इट इज आ जाएगा। -8b का मतलब होता है -8 × b, तो यहां पर हम लिखेंगे -8 × b की जगह यहां पर हम लिखेंगे -2, +6 यहां पर एज इट इज आ जाएगा।
अब हम माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ, तो हमें मिलेगा पॉजिटिव 16, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, प्लस 6 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे, 16 प्लस 6 22 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 22। तो जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला, माइनस 8 बी प्लस 6, और जब हमने बी की जगह माइनस 2 रखा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें मिली 22। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a। पहले हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 2a और a ये दोनों पॉजिटिव लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1 3 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3a। माइनस 2b के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, तो माइनस 2b यहां पर एज इट इज आ जाएगा। 4 भी नेगेटिव है, 5 भी नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव टर्म्स ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 5 9 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 9, और क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं, तो यहां पर भी माइनस साइन आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 9। तो जब हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला, 3a माइनस 2b माइनस 9। अब हम a की जगह माइनस 1 रखेंगे और b की जगह माइनस 2 रखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 2 इन 3a माइनस 2b माइनस 9, यानी कि हम 3a माइनस 2b माइनस 9 में a की जगह माइनस 1 रख रहे हैं और b की जगह माइनस 2 रख रहे हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे 3a माइनस 2b माइनस 9 इज इक्वल टू 3, यहां पर एज इट इज आ जाएगा। 3a का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय a, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय a की जगह यहां पर हम लिखेंगे माइनस 1। इसके बाद माइनस 2 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। माइनस 2b का मतलब होता है माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय b, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय और b की जगह यहां पर हम लिखेंगे माइनस 2। माइनस 9 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ, तो हमें मिलेगा माइनस 3, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 3, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है। अब हम माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ, तो हमें मिलेगा पॉजिटिव 4, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस 4, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है। माइनस 9 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस 3 माइनस 9 ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे, 3 प्लस 9 12 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 12। अब ये दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं, तो यहां पर भी माइनस साइन आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 12, प्लस 4 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब 12 नेगेटिव है और 4 पॉजिटिव है, 12 माइनस 4 8 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 8, 12 बड़ा नंबर है और इसका साइन माइनस है, तो यहां पर माइनस का साइन आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 8। तो जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला, 3a माइनस 2b माइनस 9, और जब हमने a की जगह माइनस 1 रखा और b की जगह माइनस 2 रखा, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें मिली माइनस 8। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।